वेलकम टू माई चैनल, दिस इज मी ममता सचदेवा वंस अगेन विद ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आज की वीडियो आप सबके बहुत काम आने वाली है, स्पेशली फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग कैबिन क्रू मेंबर्स एंड दे आर ऑलरेडी यू नो कलेक्टिंग थिंग्स, जो इकट्ठा कर रहे हैं ऑलरेडी सामान के, दे ऑलरेडी थिंक इन देयर हेड कि हाँ यार मुझे तो यही करना है जिंदगी में और कुछ नहीं करना। या बहुत सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, सारा टाइम घूमते फिरते रहते हैं, तो उनकी पैकिंग को हेल्प करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाने के लिए डिसाइड किया। आई डोंट नो अगर आप सबको पसंद आने वाली है या नहीं, एंड दैट यू एनी वे हैव टू लेट मी नो। मैंने एक नई चीज खरीदी थी, मेरा दिल किया कि आप सबके साथ शेयर करूं। नॉट अ शो ऑफ पर्पज ऑफकोर्स, जैसा कि मैं पहले भी कहती हूं, शेयरिंग इज केयरिंग। जो भी नॉलेज, जो भी चीजें, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं सीखती हूं किसी से भी, कहीं से भी, तो मेरा दिल करता है कि मैं आप सबके सामने आके उनको शेयर करूं। तो हुआ क्या, मैं एक दिन किसी फ्लाइट से वापस जब आ रही थी, तो एयरपोर्ट में ड्यूटी फ्री पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने वहां से कुछ खरीदा अपने लिए, तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूं। सो दिस इज दैट बैग, इट इज जे वर्ल्ड न्यूयॉर्क ब्रांड। ये एक्चुअली ड्यूटी फ्री में मुझे पड़ा हुआ नजर आया, एक ये कलर का है और एक ये कलर का है। दिस इज एग्जैक्टली सेम टू बैग्स बट डिफरेंट यू नो इन कलर। तो अभी इस पे आते हैं कि मैंने क्यों लिया और इसके पीछे की थॉट क्या है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये जो बैग्स हैं, ये बेसिकली इन अ वे इनके ऊपर लिखा हुआ था कि दे आर फॉर टिफिन, तो ये लंच बॉक्स टाइप थे। इट्स काइंड ऑफ कवर, तो इसके पीछे आप देखिए दोनों सेम, बस कलर्स का डिफरेंट है, जिप्स हैं, सब कुछ है। तो ये मैंने क्यों लिए, एक्चुअली मेरा जो सूटकेस है पीछे पड़ा हुआ, मेरे सूटकेस में क्या होता है, सब कुछ बहुत मिक्स हो जाता है। तो मैं काफी टाइम से सोच रही थी कि आई वांट टू बाय समथिंग जिसमें मैं अपनी जो एक्सेसरीज हैं उनको अलग कर लूं। एक्सेसरीज क्या होती हैं, जैसे कि चार्जर है, ट्रैवल चार्जर है अपने, कोई वायर्स हैं या कोई भी ऐसी चीज जो मेरे पास टेक्निकली मुझे चाहिए होती है, कैमरा है, फोन है, चार्जर्स हो गए, कुछ भी चीज जो वायर से रिलेटेड है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा एक ब्लैक कलर का पाउच लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक रिप्रेजेंट लाइक समथिंग वेरी टेक्निकल टाइप्स ना, मेरी टर्मिनोलॉजी में मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने ये एक बैग वहां से जब ये उठाया, तो उसी के पास में ये कलरफुल पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने सोचा इसका मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरे जो टॉयलेटरीज के पाउच हैं वो भी पुराने हो रहे हैं, व्हाई डोंट आई गेट समथिंग, थोड़ा सा बड़ा है ये, तो इसमें मेरी सारी टॉयलेटरीज जैसे मेरे डिओड्रेंट्स हैं या मेरी क्रीम्स हैं, शैम्पू है, कुछ भी है, तो वो मैं इसमें अपना शिफ्ट कर लूंगी अच्छे से। तो उस थॉट से आप मानेंगे नहीं, मैंने 3 मिनट में ये दोनों पाउचेस खरीदे, इतनी सारी थॉट्स अपने माइंड में इकट्ठे करके, क्योंकि मैं ढूंढ ही रही थी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं कि इसकी क्या खूबियां हैं। अगर आपको भी खरीदना है तो डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस ऑनलाइन एज वेल। आई एम नॉट श्योर वेदर दे डिलीवर टू आर कंट्री, बट आई एम श्योर यू कैन फाइंड दिस ब्रांड इन मेनी प्लेसेस। या सो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसका मुझे हैंडल वाले बैग्स बहुत पसंद है, यू नो दिस वैनिटी केस या इसको लंच बॉक्स या जो भी बोलना चाहते हैं, टू मी दिस इज परफेक्ट साइज एंड परफेक्ट शेप। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड इसके पीछे पॉकेट है, तो कोई भी चीज जो मैंने बिल्कुल पास में इसके रखनी है, जैसे बहुत जल्दी चाहिए कोई वायर चाहिए या कोई भी चीज मुझे जो पास रखनी है, तो मैं इसके पीछे रख सकती हूँ। और इसकी जो फिनिशिंग है बैग की बहुत अच्छी है। मैंने ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड चीजों में यही सीखा है कि कोई भी चीज जो ब्रांडेड होती है उसकी जो फिनिशिंग और उसका फैब्रिक जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इसकी जो जिप भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिप भी इसकी बहुत ही प्यारे तरीके से बनी हुई है, देखिए आप, तो ऐसा नहीं लगता कि कोई थर्ड क्लास की चीज है, बहुत ही प्यारी इसकी जिप है। तो इसकी यहाँ पे पॉकेट है, इसमें मैंने अभी कुछ नहीं डाला हुआ, तो बाहर है, जैसे कोई चीज आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप इसमें डाल सकते हो। तो लेट्स ओपन इट नाउ। तो इसको जब हम ओपन करते हैं, इसमें मेरा बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है गाइस, डोंट माइंड। तो ये जब मैं ओपन करती हूँ तो इसमें मेरी वायर्स और बहुत सारा सामान जो मैंने इकट्ठा करके रखा है, तो वो आसानी से यू नो पड़ा हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कुशन्ड है, इसके जो कवर्स हैं या ये साइड्स हैं मेरी कुशन्ड है, और उसका फायदा ये है कि जब इसको सूटकेस में मैं रखती हूँ इस सारे सामान को, तो इसके टूटने का या खराब होने का चांस कम रहता है, क्योंकि कुशन नहीं होगा जब बैग्स वगैरह लोड होते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, एयरलाइंस में, किसी भी एयरलाइन में हम जाते हैं तो बैग्स को लिटरली इतनी आसानी से कैरी नहीं किया जाता, फेंका जाता है या जोर से रखा जाता है, तो जो सामान अंदर होता है बैग में वो हिलता है, तो वो टूट भी जाता है। तो इसलिए मुझे था कि मुझे कुछ ऐसा मिले जिसकी थोड़ी कुशन्ड हो, यू नो आउटलाइन। तो इसकी जो आउटलाइन है वो कुशन्ड है, थोड़ी मोटी है, तो जो भी सामान इसके अंदर है वो मेरा सेफ है। इसमें मैंने बहुत सारी वायर्स, मेरा एक्स्ट्रा कैमरा या जो भी चीजें, मेरे चार्जर्स वगैरह हैं, जैसे ट्रैवल चार्जर, ट्रैवल अडॉप्टर्स वगैरह है, मैंने आपको पहले भी दिखाया है, वो सब मैंने इसमें नाइसली रख लिया। और ये जब बंद होता है तो इट इज इन अ प्रॉपर शेप। तो
ऐसे है ये, तो ये प्रॉपर बंद हो जाता है. इट लुक्स अ वेरी नाइस, यू नो, लुक भी अच्छी है, निकाल के बाहर रखने के लिहाज से भी अच्छा है, बहुत सारा सामान भी इसमें आ जाता है इस लिहाज से अच्छा है. और हैंडल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आई लाइक टू होल्ड ऑन टू समथिंग, यू नो. एंड इसके साथ है इसका ये स्ट्रैप भी, एंड इसको लाइक उठाना है, कैरी करना है, या अगर इसके साथ ही मैंने कहीं जाना है, कुछ वीडियो वगैरह बनानी है, तो मैं इसको एंटायर पाउच को अपने साथ लेके जा सकती हूँ. सो दिस इज व्हाई आई लव दिस वन, एंड इट्स ब्लैक इन कलर, एंड आई रीड द ब्रांड फॉर यू वंस अगेन. इट्स जे वर्ल्ड न्यूयॉर्क, या सो दिस इज लाइक आई रियली रियली लव्ड इट. एंड मैंने इसके $18 दिए हैं, ज्यादा महंगा नहीं है. आई एम श्योर इफ आई बाय इट फ्रॉम हियर इन यूएई इट विल बी मोर एक्सपेंसिव, पर ये मैंने वहां से खरीदा है ड्यूटी फ्री से, सो आई गॉट अ लिटिल डिस्काउंट ऑल्सो. सो दैट्स वन. और दूसरा मैंने जो खरीदा है, दिस डेफिनेटली रिप्रेजेंट अ गर्लिश कलर, पिंक कलर, फ्लावरी, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, पॉकेट वॉकेट सब कुछ सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द कलर. एंड दिस रिप्रेजेंट विमेन थिंग, तो इसमें सारी टॉयलेटरीज है मेरी. मैं आपको डेफिनेटली एक दिन जरूर दिखाऊंगी कि मैं टॉयलेट्रीज में क्या क्या लेके जाती हूँ डेफिनेटली, पर आपको मैं थोड़ा सा भी दिखा देती हूँ कि फुल ऑफ टॉयलेट्रीज है. पर सेम चीज है, क्योंकि इसका जो आउटलाइन है, जो इसका यू नो कवर है, वो शील्ड जो है मजबूत है, मोटी है, तो ये सामान भी जो मेरा है ये खराब होने के चांसेस नहीं है. और अंदर जो इसका मटेरियल है वो भी फैब्रिक जो है वॉशेबल है मेरे ख्याल से, तो अगर इसमें कोई मेरी टॉयलेटरी लीक कर जाएगी तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं उसको धो भी सकती हूँ. तो धोने के बाद सूख के ये एज इट इज हो जाएगा. सो आई गॉट दिस टू, एंड ऑनेस्टली आई एम इन लव विद दोजिया. इट्स एग्जैक्टली द सेम कलर, सेम एवरीथिंग, ओनली जो इसका पैटर्न है बस वही डिफरेंट है. मैं एक्चुअली सोच रही थी कि मैं दो और खरीदूंगी, क्योंकि एक में मेरी टॉयलेटरीज हैं, एक में मेरी वायर्स वगैरह हैं, तो शायद मैं दो और खरीदूंगी. एक में मैं अपनी मेकअप किट भी बना लूंगी, क्योंकि मुझे इतने पसंद आए मैं आपको बता नहीं सकती. शायद यही एक रीजन है कि मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि मैं इतनी खुश थी इन दोनों के साथ, तो मुझे लगा कि नहीं, ये थॉट तो शेयर करना बनता है बॉस, सबको बताना बनता है. क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, बहुत सारे लोग, जैसे हम कुछ नहीं भी करते हैं लेकिन हमें ट्रैवलिंग करना पड़ता है किसी जॉब पर्पज से, या वैसे ही करना पड़ता है, तो हम अपनी जो पैकिंग है वो ढंग से ऑर्गेनाइज कई लोग नहीं कर पाते. मुझे भी ये सारी चीजें सीखने में बहुत सारे साल लगे हैं, मैं ऐसे ही उठी नहीं एक दिन तो मुझे ये थॉट्स आ गए. ये सब धीरे धीरे इंसान सीखता है. पहले मैंने अपनी जब पैकिंग करती थी, मैंने आपको दिखाया था कि आई ओनली कैरी एवरीथिंग इन अ शॉपिंग बैग, जो बड़े बैग्स होते हैं उसी में सेपरेट करके डाल लेती थी, कुछ एक पाउचेस थे, बट दे वर नॉट इनफ इन साइज, यू नो. मेरी टॉयलेटरीज दो सेक्शंस में रहती थी, आधी उधर, तो मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट लगता था हमेशा सूटकेस खोलने के बाद. पहले एक टॉयलेटरी बैग निकाला, फिर दूसरा निकाला, आधा सामान उसमें है, आधा उसमें है. तो अभी एटलीस्ट ये एक सफिशियंट साइज लेने से मुझे ये है कि सारा सामान एक ही किट में है, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट पिकिंग अप टू किट्स. तो सूटकेस खोलती हूँ, इसको निकालती हूँ, अपने जो यू नो बाथरूम होता है उसमें जाके शेल्फ के ऊपर रखती हूँ, इसकी जिप खोलती हूँ, सारा सामान मेरे सामने है. वैसे ही पहले क्या होता था, मैंने छोटे छोटे दो पाउचेस बना रखे थे, उसमें एक में मेरे चार्जेस होते थे, एक में मेरा ट्रैवल का सामान होता था, एक में मेरा कैमरा होता था. तो ऑनेस्टली मैं बहुत बार घर पे सामान भूल भी गई इसी चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत सारे किट्स बनाने पड़े, तो मुझे हर बार 3-4 किट्स रखने पड़ते थे, निकालने पड़ते थे. तो फिर मैंने सोचा, मैं क्या, नहीं, अभी टाइम आ गया है, आई नीड टू इन्वेस्ट सम मनी. तो इसीलिए ये दोनों मैंने $18 इसका रेट था, मुझे शायद 10% डिस्काउंट मिला, क्योंकि कैबिन क्रू को एयरपोर्ट्स के ऊपर डिस्काउंट होता है, कई एयरपोर्ट्स के ऊपर होता है, तो मुझे 10% डिस्काउंट मिला. सो आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट, आई परचेज दिस फॉर मी एंड आई वॉज सो हैप्पी विद दिस. या सो गाइज, इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल्सो पैकिंग स्टफ, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट थिंग. अगर आप खरीदना चाहते हैं, यू डेफिनेटली कैन बाय समथिंग सिमिलर, बट बाय गुड क्वालिटी. क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, मैं अभी पिछले छुट्टियों पे थी, तो मैं हमारी जो कंट्रीज है वहां पे मैंने बहुत सारी शॉप्स, नॉर्मल जो शॉप्स होती हैं गली मोहल्लों की शॉप्स, मैंने हर जगह जाके ऐसे किट्स ढूंढे. मुझे 500, 600, 700, 800 रुपए रेंज में, 300 रुपए रेंज में भी चीजें मिल रही थी, लेकिन इतनी घटिया क्वालिटी थी. मुझे पता है कि मैंने इसमें एक बार सामान डाला तो ये हफ्ते के बाद खराब हो जाएगी, तो नो पॉइंट, यू नो. तो इसीलिए मैंने सोचा कि आई बाय समथिंग जो मेरे काम का हो, और ये मल्टीपर्पज है. अगर इसको मुझे, मान लीजिए, टॉयलेटरीज इसमें नहीं डालनी, मैं इसमें खाना पैक करके लेके जा सकती हूँ. अगर वो नहीं है तो मैं अपने अंडर गार्मेंट्स पैक करके लेके जा सकती हूँ. अगर वो नहीं तो तारे हैं, कैमरा है, कोई चीज है, तो उसमें अच्छे से पैक हो जाएगा और वो खराब भी नहीं होगा. सो दैट वॉज माई पॉइंट. सो एनी वे, मैंने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा दी आज, बहुत ज्यादा बोलिया गाइस,
बट ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगे फॉर दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम केबिन क्रू, बिकॉज दीज थिंग्स यू आर गोइंग टू नीड दैम इन फ्यूचर फॉर श्योर. अगर आपने किसी हल्की सी किट में कुछ पैक किया तो डेफिनेटली आपका जो सामान है वो सूट केस में खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि नॉट टू फर्गेट टॉयलेटरीज में हमारे पास कांच का सामान भी होता है, लीकिंग इक्विपमेंट्स भी होते हैं. तो ऐसा कुछ आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड और यू गोना ट्रैवल एनीवेयर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी. सो डू इन्वेस्ट इन सच थिंग्स. या सो दोस्तों धन्यवाद ये मेरी प्रोडक्ट्स को देखने के लिए, सुनने के लिए और मेरी एक्साइटमेंट में भागीदार बनने के लिए. आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आई होगी. लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का. आपके कमेंट्स मैं डेफिनेटली पढ़ती हूँ. डोंट थिंक इफ आई एम नॉट आंसरिंग आई एम नॉट रीडिंग योर कमेंट्स. आई एम डेफिनेटली रीडिंग योर कमेंट्स. ओके सो टेक केयर गाइस. ममता सचदेवा टेकिंग योर लीव नाउ एंड आई टॉक टू यू सून विद अ न्यू वीडियो. जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस मेरी जिंदगी में नए होते हैं, अच्छे होते हैं, मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी. बाय बाय दोस्तों.